केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी उपस्थित हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए देश में विकास यात्रा को अपना सहयोग करते हुए प्रमुख राजनेताओं का आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण है। मेरा विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि आप उन तमाम माननीय सदस्यों का विधिवत परिचय कराएं और सदस्यता ग्रहण कराएं। धन्यवाद संजय जी। मीडिया के सभी साथियों का सादर अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से 4 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मेरी सबसे दाई ओर बैठे हैं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री विक्रम ठाकुर जी, मान्य विधायक श्री रूप जम्बाल जी, मान्य विधायक श्री राकेश जम्बाल जी। आज 6 माननीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं इनका परिचय करा रहा हूं। आदरणीय श्री सुधीर शर्मा जी, आप 4 बार के माननीय विधायक हिमाचल प्रदेश से, पूर्व में श्री वीरभद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इस दायित्व के ऊपर आप विराजमान रहे अभी तक, और आज धर्मशाला से विधायक इस नाते आप अभी तक थे जब तक स्पीकर साहब ने इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है। यह आज दूसरा। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री संतराम जी कांग्रेस पार्टी के हिमाचल के लंबे समय तक प्रोधा रहे, पूर्व मंत्री रहे, राज्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। श्री राजेंद्र राणा जी, आप 3 बार से लगातार विधायक हमीरपुर जिला के, और आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष इस नाते अभी तक आपके पास दायित्व रहा, और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। श्री रवि ठाकुर जी, आप लाहौल स्पीति ट्राइबल क्षेत्र से 3 बार विधायक और केंद्रीय ट्राइबल कमीशन में आप वाइस चेयरमैन की भूमिका में रहे। इनकी माता जी कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक प्रदेश की नेता रही श्रीमती लता ठाकुर जी। जनजातीय चौथे श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, आईडी लखनपाल, मेरे बिल्कुल राइट में है। आप 3 बार से हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक,
इससे पहले शिमला कॉरपोरेशन के लगातार कई बार कॉरपोरेटर रहे और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता पांचवें श्री देवेंद्र भुट्टो जी। श्री देवेंद्र भुट्टो जी आप ऊना जिला की और बंगाना विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक, इससे पहले बीडीसी के दो बार चेयरमैन रहे। श्री चैतन्य शर्मा जी छठे हिमाचल प्रदेश के सबसे युवा विधायक, पेशे से एडवोकेट और जिला परिषद के माननीय सदस्य रहे। ऐसे मैंने ये छह माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का परिचय कराया है। धन्यवाद। मेरा सादर अनुरोध होगा माननीय अनुराग जी, अरुण जी, जयराम जी और राजीव बिंदल जी से कि आप एक एक करके सबको सदस्यता का पत्रक दें। श्री सुधीर शर्मा जी, श्री राजेंद्र राणा जी, एक मिनट है, श्री राजेंद्र राणा, जी भेज दें पहले पर्ची पकड़, पहले तो मेंबरशिप है। श्री रवि ठाकुर, श्री रवि ठाकुर, श्री इंद्रदत्त नागपाल लखनपाल, इंद्रदत्त लखनपाल, श्री देवेंद्र भुट्टो, भुट्टो से कुछ और नहीं था, श्री चैतन्य शर्मा, श्री चैतन्य शर्मा, थोड़ा
थोड़ा थोड़ा क्लोज हो जाइए, थोड़ा थोड़ा क्लोज हो जाइए, क्लोज हो जाइए। अब ज्वाइनिंग इतनी बड़ी तो बड़ा तो होगा ही। ऐसा करें आप लोग थोड़ा, धन्यवाद। आइए, अब हो गया, हो गया, अब आराम से बैठिए। मित्रों, अब मेरा विनम्र निवेदन है, यशस्वी केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी से कि आप संबोधित करें और हिमाचल के उन साथियों का अभिवादन भी करें। माननीय अनुराग ठाकुर जी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और हम सबका यह गौरव है कि हमको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कार्य किया, एक और तो देश में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहले भी दिया, आगे भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत में इनका भी योगदान हो। हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार होगा, उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी ने अपना दूसरा घर माना है, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। जो वर्षों से अटल टनल का काम बंद था, वो भी मोदी जी ने पूरा करवाया। यहां तक कि छोटे से राज्य को एम्स, पीजीआई, कई मेडिकल कॉलेज दिलाए, आईआईएम दिलाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, और कम से कम 50,000 करोड़ की तो केवल सड़कें ही दी हैं। रेल का नाम हिमाचल प्रदेश में था ही नहीं, ये ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन का भी काम पूरा कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की चौथी चली तो हिमाचल प्रदेश से चली। बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से चला है, चारों ओर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं। तो जब इतना विकास और गरीब कल्याण के काम लोग देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास और बढ़ता है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस जिस विश्वास को लेके सब आए हैं, मैं अपने सभी इन भाइयों को कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी वो है जो पूरा होने की गारंटी है। और हम लोग देश को आगे बढ़ाने में हिमाचल से भी एक बड़ा योगदान देंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। पार्टी के अपने माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी से आग्रह होगा कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आप माननीय 6 विधायक, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हिस्सा बन गए। और भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति आता है उसका सदैव मान सम्मान पार्टी उनका रखती है। आप सबका भी मान सम्मान पार्टी सदैव रखेगी, यह मैं महामंत्री के नाते आप सबको कह रहा हूं। कांग्रेस के दिवालापन नीतियां एवं नकारात्मक राजनीति से परेशान होकर के आप सब कांग्रेस से पार्टी से त्याग पत्र दिए और आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी नीतियां और विकास युक्त जो योजना है उसके माध्यम से आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और FDI हमारा हाईएस्ट है। उसके साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व भी आज $642 बिलियन है, जो 2014 में 322 बिलियन होता था। तीसरी बार सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था कोई चलने वाली है, चल रही है, तो भारत की है। आप सम्मानित प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, योजनाओं से प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके ज्वाइन किए हैं। आप सभी का पुनः मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और अवश्य रूप से आप सबके ज्वाइन करने से हिमाचल प्रदेश में पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का अब धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में सफाया होता चला जा रहा है। बहुत बहुत पुनः आप सबका अभिनंदन। मेरा आग्रह होगा हिमाचल प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि आपको संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं सभी कांग्रेस पार्टी से 6 विधायक जो पूर्व में रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, हमारे परिवार का हिस्सा बने, मोदी जी के परिवार का हिस्सा बने, उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए ये राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना है। ये जो जिनका जिक्र, जिनका परिचय आपके सामने हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर रहे और कई बार के विधायक रहे, ऐसे अधिकांश लोग यहां पर भी हैं। और नई ऊर्जा देने वाले जो नौजवान भी हमारे साथ में हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। स्वाभाविक रूप से जो घटनाक्रम घटित हुआ है ये बहुत बड़ा संदेश पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए है। जो कार्यशैली, काम करने का तरीका, 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में, ना जनता खुश है, ना कोई व्यक्ति खुश है, ना कांग्रेस का कैडर खुश है, ना कांग्रेस के नेता खुश है। और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था उससे बार बार जो है वो वंचित किया गया। इस दृष्टि से इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और उस कदम के चलते इनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हुई। लेकिन उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने तय किया है कि आज की आवश्यकता, देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को आज की इस परिस्थिति में हमको मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर के आपने ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के परिवार में
शामिल होने का निर्णय किया, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि परिवार के सदस्य बनने के साथ साथ आपको पूरा सम्मान, पूरा स्थान, पहचान जो अपने परिवार में दी जा सकती है वो निश्चित रूप से देंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा निवेदन होगा आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री और चार बार के विधायक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री सुधीर शर्मा जी से कि आप दो शब्द रखें, माननीय सुधीर शर्मा जी। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा यहाँ आज उपस्थित केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुराग ठाकुर जी का, यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी का, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, हम सभी छः के छः विधायक स्वेच्छा से आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहे पिछले दिनों, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा ये कशमकश जैसी चली पूरे प्रदेश में कि किस कारणवश इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्णय किया। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हम लोग जो चुनकर आए थे वो प्रदेश के विकास के लिए, जनहित के लिए इस पद पर पहुंचे और एक बार नहीं कई कई बार लोग चुन करके आए हैं। जब प्रदेश के अंदर विकास का काम करने का वातावरण ना रहे और लगातार आत्म सम्मान को व्यक्ति के ठेस पहुंचती रहे तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। सिर्फ एक काम कांग्रेस पार्टी आज की परिस्थिति में करती है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना, और जिस कारण आज ये परिस्थितियां बनी हैं। आज हम छह लोग सम्मिलित हुए हैं स्वेच्छा से। हमने राज्यसभा में जो मतदान हुआ उसमें हमारे प्रदेश से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हर्ष महाजन जी, उनके पक्ष में मतदान किया। आप सभी जानते हैं दिखा करके मत डाला जाता है, कोई चोरी छुपे यह मतदान नहीं होता। वो मतदान किया इनके विरुद्ध जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, आप सभी जानते हैं कि वो जब उच्चतम न्यायालय में राम मंदिर का जब केस चल रहा था तो उसमें दूसरे पक्ष के वकील रहे, उनको वहां भेजा और इसीलिए लोगों ने निर्णय लिया कि प्रदेश के व्यक्ति के हित में हम लोग मतदान करें। आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा भी योगदान प्रदेश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखते हुए हम अपने अपनी हैसियत के अनुसार जो योगदान दे सकते हैं वो करें। और आज हम यहाँ आए हैं, इससे पहले कभी कोई दल बदल नहीं किया और जब तक जिंदा हैं भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले श्री राजेंद्र राणा जी से आपको संबोधित करें। मंच पर आसीन केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी,
राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश के हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, राज्यसभा के सांसद श्री हर्ष महाजन जी और मेरे तमाम साथी, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और तमाम नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग इन सबके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और सुधीर शर्मा जी हमारे सहयोगी, इन्होंने सारी बातें बता दी हैं और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पिछले लगभग सवा साल से जिस तरीके से प्रदेश सरकार चल रही थी और किस तरीके से चुने हुए लोगों को ह्यूमिलेट किया जा रहा था और जो गारंटियां दी गई, जो वायदे किए गए, प्रदेश की जनता हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमसे पूछते थे कि ये ऐसे से वायदे आपकी पार्टी ने किए हैं, इनका क्या हो रहा है, नौजवानों की बात है, नौजवानों की नौकरियां जो जिनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिए गए। और अंततः आदमी हर बात से समझौता करता, स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता है और हम सब लोग स्वाभिमानी हैं, ये लोग जो मर्जी बोलते रहे। दूसरा मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पार्टी में पूरे देश में एक पॉलिटिकल डिजास्टर जो हो रहा है, ये इसके पीछे आज लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी, हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, स्वेच्छा से हुए हैं और हमें इस बात का गर्व है कि जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश आज इस सरकार में जो जैसे गाड़ी आगे चलती है बैक गियर में जो सरकार चल रही है, आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर प्रदेश को फॉरवर्ड गियर में लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। जहां देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं फिर से पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और हम सब आगे मिलकर एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश निर्माण में हम सब लोग योगदान देंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी उपस्थित हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए देश में विकास यात्रा को अपना सहयोग करते हुए प्रमुख राजनेताओं का आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण है। मेरा विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि आप उन तमाम माननीय सदस्यों का विधिवत परिचय कराएं और सदस्यता ग्रहण कराएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से चार बार सांसद, केंद्रीय मंत्री
हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मेरी सबसे दाईं ओर बैठे हैं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री विक्रम ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री रूप जम्बाल जी, माननीय विधायक श्री राकेश जम्बाल जी। आज 6 माननीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं इनका परिचय करा रहा हूं। आदरणीय श्री सुधीर शर्मा जी, आप 4 बार के माननीय विधायक हिमाचल प्रदेश से, पूर्व में श्री वीरभद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इस दायित्व के ऊपर आप विराजमान रहे अभी तक, और आज धर्मशाला से विधायक इस नाते आप अभी तक थे, जब तक स्पीकर साहब ने इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है। आज दूसरा, इनके पिताजी स्वर्गीय श्री संतराम जी कांग्रेस पार्टी के हिमाचल के लंबे समय तक प्रोधा रहे, पूर्व मंत्री रहे, राज्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। श्री राजेंद्र राणा जी, आप 3 बार से लगातार विधायक हमीरपुर जिला के, और आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष इस नाते अभी तक आपके पास दायित्व रहा, और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। श्री रवि ठाकुर जी, आप लाहौल स्पीति ट्राइबल क्षेत्र से 3 बार विधायक और केंद्रीय ट्राइबल कमीशन में आप वाइस चेयरमैन की भूमिका में रहे। इनकी माता जी कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक प्रदेश की नेता रही श्रीमती लता ठाकुर जी। जनजातीय क्षेत्र से आप आते चौथे श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, आईडी लखनपाल मेरे बिल्कुल राइट में है। आप 3 बार से हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक, इससे पहले शिमला कॉरपोरेशन के लगातार कई बार कॉरपोरेटर रहे, और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता। 5वें श्री देवेंद्र भुट्टो जी, श्री देवेंद्र भुट्टो जी आप ऊना जिला की और बंगाना विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक, इससे पहले बीडीसी के 2 बार चेयरमैन रहे। श्री चैतन्य शर्मा जी 6 हिमाचल प्रदेश के सबसे युवा विधायक, पेशे से एडवोकेट और जिला परिषद के मान्य सदस्य रहे। ऐसे मैंने ये 6 माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का परिचय कराया है। धन्यवाद। मेरा सादर अनुरोध होगा माननीय अनुराग जी, अरुण जी, जयराम जी और राजीव बिंदल जी से कि आप एक एक करके सबको सदस्यता का पत्रक दें। श्री सुधीर शर्मा जी, श्री
श्री राजेंद्र राणा जी। एक मिनट ठहर। श्री राजेंद्र राणा। जी भेज दें। पहले पर्ची पकड़ो। पहले तो मेंबरशिप श्री रवि ठाकुर। श्री रवि ठाकुर। श्री इंद्रदत्त नागपाल लखनपाल। इंद्रदत्त लखनपाल। श्री देवेंद्र भुट्टो। भुट्टो से कुछ और नहीं था। श्री चैतन्य शर्मा। श्री चैतन्य शर्मा। क्लोज हो जाइए। अब ज्वाइनिंग इतनी बड़ी तो बड़ा तो होगा ही। ऐसा करें आप लोग थोड़ा। धन्यवाद। आइए अब हो गया। हो गया अब आराम से बैठिए। मित्रों अब मेरा विनम्र निवेदन है यशस्वी केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी से कि आप संबोधित करें और हिमाचल के उन साथियों का अभिवादन भी करें। माननीय अनुराग ठाकुर जी। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं।
और हम सबका एक गौरव है कि हमको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कार्य किया, एक और तो देश में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकालकर लाए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहले भी दिया, आगे भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत में इनका भी योगदान हो। हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार होगा, उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी ने अपना दूसरा घर माना है, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। जो वर्षों से अटल टनल का काम बंद था, वो भी मोदी जी ने पूरा करवाया। यहां तक कि छोटे से राज्य को एम्स, पीजीआई, कई मेडिकल कॉलेज दिलाए, आईआईएम दिलाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, और कम से कम 50,000 करोड़ की तो केवल सड़कें ही दी हैं। रेल का नाम हिमाचल प्रदेश में था ही नहीं, ये ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन का भी काम पूरा कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की चौथी चली तो हिमाचल प्रदेश से चली। बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से चला है, चारों ओर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं। तो जब इतना विकास और गरीब कल्याण के काम लोग देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास और बढ़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस जिस विश्वास को लेकर ये सब आए हैं, मैं अपने सभी इन भाइयों को कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी वो है जो पूरा होने की गारंटी है। और हम लोग देश को आगे बढ़ाने में हिमाचल से भी एक बड़ा योगदान देंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। पार्टी के अपने माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी से आग्रह होगा कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आप माननीय 6 विधायक, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हिस्सा बन गए। और भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति आता है, उसका सदैव मान सम्मान पार्टी उनका रखती है। आप सबका भी मान सम्मान पार्टी सदैव रखेगी, यह मैं महामंत्री के नाते आप सबको कह रहा हूं। कांग्रेस के दिवालापन नीतियां एवं नकारात्मक राजनीति से परेशान होकर के आप सब कांग्रेस से पार्टी से त्याग पत्र दिए और आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी नीतियां और विकास युक्त जो योजना है, उसके माध्यम से आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और FDI हमारा हाईएस्ट है। उसके साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व भी आज $642 बिलियन है, जो 2014 में 322 बिलियन डॉलर होता था।
तीसरी बार सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था कोई चलने वाली है, चल रही है तो भारत की है। आप सम्मानित प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, योजनाओं से प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके ज्वाइन किए हैं। आप सभी का पुनः मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और अवश्य रूप से आप सबके ज्वाइन करने से हिमाचल प्रदेश में पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का अब धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में सफाया होता चला जा रहा है। बहुत बहुत पुनः आप सबका अभिनंदन। मेरा आग्रह होगा हिमाचल प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि आपको संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं सभी कांग्रेस पार्टी से 6 विधायक जो पूर्व में रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, हमारे परिवार का हिस्सा बने, मोदी जी के परिवार का हिस्सा बने, उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए ये राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना है। ये जो जिनका जिक्र, जिनका परिचय आपके सामने हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर रहे और कई बार के विधायक रहे, ऐसे अधिकांश लोग यहां पर भी हैं। और नई ऊर्जा देने वाले जो नौजवान भी हमारे साथ में हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। स्वाभाविक रूप से जो घटनाक्रम घटित हुआ है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए है। जो कार्यशैली, काम करने का तरीका, 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में, ना जनता खुश है, ना कोई व्यक्ति खुश है, ना कांग्रेस का कैडर खुश है, ना कांग्रेस के नेता खुश है। और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था उससे बार बार जो है वो वंचित किया गया। इस दृष्टि से इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और उस कदम के चलते इनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हुई। लेकिन उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने तय किया है कि आज की आवश्यकता, देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को आज की इस परिस्थिति में हमको मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर के आपने ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के परिवार में शामिल होने का निर्णय किया। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि परिवार के सदस्य बनने के साथ साथ आपको पूरा सम्मान, पूरा स्थान, पहचान जो अपने परिवार में दी जा सकती है वो निश्चित रूप से देंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा निवेदन होगा आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री सुधीर शर्मा जी से कि आप 2 शब्द रखें। माननीय सुधीर शर्मा जी, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ आज उपस्थित केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुराग ठाकुर जी का, यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी का, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का। हम सभी 6 के 6 विधायक स्वेच्छा से आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहे पिछले दिनों, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा
ये कश्मकश जैसी चली पूरे प्रदेश में कि किस कारणवश इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्णय किया। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हम लोग जो चुनकर आए थे वो प्रदेश के विकास के लिए, जनहित के लिए इस पद पर पहुंचे, और एक बार नहीं कई कई बार लोग चुन करके आए हैं। जब प्रदेश के अंदर विकास का काम करने का वातावरण ना रहे और लगातार आत्म सम्मान को व्यक्ति के ठेस पहुंचती रहे तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। सिर्फ एक काम कांग्रेस पार्टी आज की परिस्थिति में करती है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना, जिस कारण आज ये परिस्थितियां बनी हैं। आज हम 6 लोग सम्मिलित हुए हैं स्वेच्छा से। हमने राज्यसभा में जो मतदान हुआ उसमें हमारे प्रदेश से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हर्ष महाजन जी, उनके पक्ष में मतदान किया। आप सभी जानते हैं दिखा करके मत डाला जाता है, कोई चोरी छुपे यह मतदान नहीं होता। वो मतदान किया इनके विरुद्ध जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। आप सभी जानते हैं कि वो जब उच्चतम न्यायालय में राम मंदिर का जब केस चल रहा था तो उसमें दूसरे पक्ष के वकील रहे, उनको वहां भेजा, और इसीलिए लोगों ने निर्णय लिया कि प्रदेश के व्यक्ति के हित में हम लोग मतदान करें। आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा भी योगदान प्रदेश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखते हुए हम अपने अपनी हैसियत के अनुसार जो योगदान दे सकते हैं वो करें। और आज हम यहाँ आए हैं, इससे पहले कभी कोई दल बदल नहीं किया और जब तक जिंदा हैं भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। मेरा आग्रह होगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले श्री राजेंद्र राणा जी से आपको संबोधित करें। मंच पर आसीन केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश के हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, राज्यसभा के सांसद श्री हर्ष महाजन जी और मेरे तमाम साथी। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और तमाम नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग इन सबके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और सुधीर शर्मा जी हमारे सहयोगी, इन्होंने सारी बातें बता दी हैं और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पिछले लगभग 1.25 साल से जिस तरीके से प्रदेश सरकार चल रही थी और किस तरीके से चुने हुए लोगों को ह्यूमिलेट किया जा रहा था और जो गारंटियां दी गई, जो वायदे किए गए, प्रदेश की जनता हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमसे पूछते थे कि ये ऐसे से वायदे आपकी पार्टी ने किए हैं, इनका क्या हो रहा है, नौजवानों की बात है, नौजवानों की नौकरियां जो जिनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिए गए। और अंततः आदमी हर बात से समझौता करता है, स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता है
और हम सब लोग स्वाभिमानी है, ये लोग जो मर्जी बोलते रहे। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पार्टी में पूरे देश में एक पॉलिटिकल डिजास्टर जो हो रहा है, ये इसके पीछे आज लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी। हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, स्वेच्छा से हुए हैं, और हमें इस बात का गर्व है कि जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश आज इस सरकार में जो जैसे गाड़ी आगे चलती है, बैक गियर में जो सरकार चल रही है, आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर प्रदेश को फॉरवर्ड गियर में लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। जहां देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं फिर से पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और हम सब आगे मिलकर एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश निर्माण में हम सब लोग योगदान देंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी उपस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए देश में विकास यात्रा को अपना सहयोग करते हुए प्रमुख राजनेताओं का आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण है। मेरा विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि आप उन तमाम माननीय सदस्यों का विधिवत परिचय कराएं और सदस्यता ग्रहण कराएं। धन्यवाद संजय जी। मीडिया के सभी साथियों का सादर अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से 4 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मेरी सबसे दाई ओर बैठे हैं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री विक्रम ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री रूप जम्वाल जी, माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी। आज 6 माननीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं इनका परिचय करा रहा हूं। आदरणीय श्री सुधीर शर्मा जी, आप 4 बार के माननीय विधायक हिमाचल प्रदेश से, पूर्व में श्री वीरभद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इस दायित्व के ऊपर आप विराजमान रहे अभी तक, और आज धर्मशाला से विधायक इस नाते आप अभी तक थे जब तक स्पीकर
द्वारा इनके पिताजी स्वर्गीय श्री कांतराम जी कांग्रेस पार्टी के हिमाचल के लंबे समय तक पुरोधा रहे, पूर्व मंत्री रहे, राज्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। श्री राजेंद्र राणा जी, आप तीन बार से लगातार विधायक हमीरपुर जिला के और आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष इस नाते अभी तक आपके पास दायित्व रहा और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। श्री रवि ठाकुर जी, आप लाहौल स्पीति ट्राइबल क्षेत्र से तीन बार विधायक और केंद्रीय ट्राइबल कमीशन में आप वाइस चेयरमैन की भूमिका में रहे। उनकी माता जी कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक प्रदेश की नेता रही श्रीमती लता ठाकुर जी। जनजातीय क्षेत्र से आप आते चौथे श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, आईडी लखनपाल मेरे बिल्कुल राइट में है। आप तीन बार से हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक, इससे पहले शिमला कॉरपोरेशन के लगातार कई बार कॉरपोरेटर रहे और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता। पांचवें श्री देवेंद्र भुट्टो जी, श्री देवेंद्र भुट्टो जी आप ऊना जिला की और बंगाना विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक, इससे पहले बीडीसी के दो बार चेयरमैन रहे। श्री चैतन्य शर्मा जी छठे हिमाचल प्रदेश के सबसे युवा विधायक, पेशे से एडवोकेट और जिला परिषद के माननीय सदस्य रहे। ऐसे मैंने ये छह माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का परिचय कराया है। धन्यवाद। मेरा सादर अनुरोध होगा माननीय अनुराग जी, अरुण जी, जयराम जी और राजीव विंदल जी से कि आप एक एक करके सबको सदस्यता का पत्रक दें। श्री सुधीर शर्मा जी, श्री राजेंद्र राणा जी, एक मिनट है, श्री राजेंद्र राणा, जी भेज दें पहले पर्ची पकड़ो, पहले तो मेंबरशिप श्री रवि ठाकुर, श्री रवि ठाकुर श्री इंद्रदत्त नागपाल लखनपाल बहुत बधाई, स्वागत है।
इंद्रदत्त लखनपाल। श्री देवेंद्र भुट्टो। भुट्टो से कुछ और नहीं था। श्री चैतन्य शर्मा। श्री चैतन्य शर्मा। अब ज्वाइनिंग इतनी बड़ी तो बड़ा तो होगा ही। ऐसा करें आप लोग थोड़ा धन्यवाद। आइए अब हो गया अब आराम से बैठिए। मित्रों अब मेरा विनम्र निवेदन है यशस्वी केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी से कि आप संबोधित करें और हिमाचल के उन साथियों का अभिवादन भी करें। माननीय अनुराग ठाकुर जी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और हम सबका एक गौरव है कि हमको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कार्य किया, एक और तो देश में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, पहले भी दिया आगे भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति।
और इन छह विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत में इनका भी योगदान हो। हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार होगा, उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी ने अपना दूसरा घर माना है, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। जो वर्षों से अटल टनल का काम बंद था वो भी मोदी जी ने पूरा करवाया। यहां तक कि छोटे से राज्य को एम्स, पीजीआई, कई मेडिकल कॉलेज दिलाए, आईआईएम दिलाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, और कम से कम 50,000 करोड़ की तो केवल सड़कें ही दी हैं। रेल का नाम हिमाचल प्रदेश में था ही नहीं, ये ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन का भी काम पूरा कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की चौथी चली तो हिमाचल प्रदेश से चली। बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से चला है, चारों ओर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं। तो जब इतना विकास और गरीब कल्याण के काम लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास और बढ़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस जिस विश्वास को लेके ये सब आए हैं, मैं अपने सभी इन भाइयों को कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी वो है जो पूरा होने की गारंटी है। और हम लोग देश को आगे बढ़ाने में हिमाचल से भी एक बड़ा योगदान देंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। पार्टी के अपने माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी से आग्रह होगा कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आप माननीय 6 विधायक, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हिस्सा बन गए। और भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति आता है उसका सदैव मान सम्मान पार्टी उनका रखती है, आप सबका भी मान सम्मान पार्टी सदैव रखेगी, यह मैं महामंत्री के नाते आप सबको कह रहा हूं। कांग्रेस के दिवालापन नीतियां एवं नकारात्मक राजनीति से परेशान होकर के आप सब कांग्रेस से पार्टी से त्याग पत्र दिए और आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी नीतियां और विकास युक्त जो योजनाएं उसके माध्यम से आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और एफडीआई हमारा हाईएस्ट है। उसके साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व भी आज $642 बिलियन है, जो 2014 में $322 बिलियन होता था। तीसरी बार सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था कोई चलने वाली है, चल रही है तो भारत की है। आप सम्मानित प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, योजनाओं से प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके ज्वाइन किए हैं। आप सभी का पुनः मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और अवश्य रूप से आप सबके ज्वाइन करने से हिमाचल प्रदेश में पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का अब धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में सफाया होता चला जा रहा है। बहुत बहुत पुनः आप सबका अभिनंदन। मेरा आग्रह होगा हिमाचल प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि आपको संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं सभी कांग्रेस पार्टी से 6 विधायक जो पूर्व में रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, हमारे परिवार का हिस्सा बने, मोदी जी के परिवार का हिस्सा बने, उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए ये राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना है। ये जो जिनका जिक्र, जिनका परिचय आपके सामने हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर रहे और कई बार के विधायक रहे, ऐसे अधिकांश लोग यहां पर भी हैं। और नई ऊर्जा देने वाले जो
नौजवान भी हमारे साथ में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। स्वाभाविक रूप से जो घटनाक्रम घटित हुआ है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए है। जो कार्यशैली, काम करने का तरीका, 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में, ना जनता खुश है, ना कोई व्यक्ति खुश है, ना कांग्रेस का कैडर खुश है, ना कांग्रेस के नेता खुश है। और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था, उससे बार बार जो है वो वंचित किया गया। इस दृष्टि से इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और उस कदम के चलते इनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हुई। लेकिन उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने तय किया है कि आज की आवश्यकता, देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को आज की इस परिस्थिति में हमको मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर के आपने ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के परिवार में शामिल होने का निर्णय किया। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि परिवार के सदस्य बनने के साथ साथ आपको पूरा सम्मान, पूरा स्थान, पहचान जो अपने परिवार में दी जा सकती है वो निश्चित रूप से देंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा निवेदन होगा, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री सुधीर शर्मा जी से कि आप 2 शब्द रखें, माननीय सुधीर शर्मा जी। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ आज उपस्थित केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुराग ठाकुर जी का, यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी का, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का। हम सभी 6 के 6 विधायक स्वेच्छा से आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहे पिछले दिनों, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा ये कश्मकश जैसी चली पूरे प्रदेश में कि किस कारणवश इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्णय किया। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हम लोग जो चुनकर आए थे वो प्रदेश के विकास के लिए, जनहित के लिए इस पद पर पहुंचे और एक बार नहीं, कई कई बार लोग चुन करके आए हैं। जब प्रदेश के अंदर विकास का काम करने का वातावरण ना रहे और लगातार आत्म सम्मान को व्यक्ति के ठेस पहुंचती रहे तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। सिर्फ एक काम कांग्रेस पार्टी आज की परिस्थिति में करती है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना, जिस कारण आज ये परिस्थितियां बनी हैं। आज हम 6 लोग सम्मिलित हुए हैं स्वेच्छा से। हमने राज्यसभा में जो मतदान हुआ उसमें हमारे प्रदेश से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए, हर्ष महाजन जी, उनके पक्ष में मतदान किया। आप सभी जानते हैं दिखा करके मत डाला जाता है, कोई चोरी छुपे ये मतदान नहीं होता। वो मतदान किया इनके विरुद्ध जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, आप सभी जानते हैं कि वो जब उच्चतम न्यायालय में राम मंदिर का जब केस चल रहा था तो उसमें दूसरे पक्ष के वकील रहे
उनको वहां भेजा और इसीलिए लोगों ने निर्णय लिया कि प्रदेश के व्यक्ति के हित में हम लोग मतदान करें। आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा भी योगदान प्रदेश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखते हुए हम अपने अपनी हैसियत के अनुसार जो योगदान दे सकते हैं वो करें। और आज हम यहाँ आए हैं, इससे पहले कभी कोई दल बदल नहीं किया और जब तक जिंदा हैं भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। मेरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले श्री राजेंद्र राणा जी से आपको संबोधित करें। मंच पर आसीन केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश के हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, राज्यसभा के सांसद श्री हर्ष महाजन जी और मेरे तमाम साथी, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और तमाम नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग इन सबके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और सुधीर शर्मा जी हमारे सहयोगी, इन्होंने सारी बातें बता दी हैं और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पिछले लगभग सवा साल से जिस तरीके से प्रदेश सरकार चल रही थी और किस तरीके से चुने हुए लोगों को ह्यूमिलेट किया जा रहा था और जो गारंटियां दी गई, जो वायदे किए गए, प्रदेश की जनता हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमसे पूछते थे कि ये ऐसे से वायदे आपकी पार्टी ने किए हैं, इनका क्या हो रहा है, नौजवानों की बात है, नौजवानों की नौकरियां जो जिनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिए गए और अंततः आदमी हर बात से समझौता करता है, स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता है और हम सब लोग स्वाभिमानी हैं, ये लोग जो मर्जी बोलते रहे। दूसरा मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पार्टी में पूरे देश में एक पॉलिटिकल डिजास्टर जो हो रहा है, ये इसके पीछे आज लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी, हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, स्वेच्छा से हुए हैं और हमें इस बात का गर्व है कि जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश आज इस सरकार में जो जैसे गाड़ी आगे चलती है, बैक गियर में जो सरकार चल रही है, आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर प्रदेश को फॉरवर्ड गियर में लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। जहां देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं फिर से पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और हम सब आगे मिलकर एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश निर्माण में हम सब लोग योगदान देंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री
माननीय अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी उपस्थित हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए देश में विकास यात्रा को अपना सहयोग करते हुए प्रमुख राजनेताओं का आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण है। मेरा विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि आप उन तमाम माननीय सदस्यों का विधिवत परिचय कराएं और सदस्यता ग्रहण कराएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से 4 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मेरी सबसे दाई ओर बैठे हैं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री विक्रम ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री रूप जम्वाल जी, माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी। आज 6 माननीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं इनका परिचय करा रहा हूं। आदरणीय श्री सुधीर शर्मा जी, आप 4 बार के माननीय विधायक हिमाचल प्रदेश से, पूर्व में श्री वीरभद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इस दायित्व के ऊपर आप विराजमान रहे अभी तक, और आज धर्मशाला से विधायक इस नाते आप अभी तक थे जब तक स्पीकर साहब ने इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है। दूसरा, इनके पिताजी स्वर्गीय श्री संतराम जी कांग्रेस पार्टी के हिमाचल के लंबे समय तक प्रोधा रहे, पूर्व मंत्री रहे, राज्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। श्री राजेंद्र राणा जी, आप 3 बार से लगातार विधायक हमीरपुर जिला के, और आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष इस नाते अभी तक आपके पास दायित्व रहा, और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। श्री रवि ठाकुर जी, आप लाहौल स्पीति ट्राइबल क्षेत्र से 3 बार विधायक और केंद्रीय ट्राइबल कमीशन में आप वाइस चेयरमैन की भूमिका में रहे। इनकी माता जी कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक प्रदेश की नेता रही श्रीमती लता ठाकुर जी। जनजातीय चौथे श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, आईडी लखनपाल, मेरे बिल्कुल राइट में है। आप 3 बार से हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक,
इससे पहले शिमला कॉरपोरेशन के लगातार कई बार कॉरपोरेटर रहे और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता पांचवें श्री देवेंद्र भुट्टो जी। श्री देवेंद्र भुट्टो जी आप ऊना जिला की और बंगाना विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक, इससे पहले बीडीसी के दो बार चेयरमैन रहे। श्री चैतन्य शर्मा जी छठे हिमाचल प्रदेश के सबसे युवा विधायक, पेशे से एडवोकेट और जिला परिषद के माननीय सदस्य रहे। ऐसे मैंने ये छह माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का परिचय कराया है। धन्यवाद। मेरा सादर अनुरोध होगा माननीय अनुराग जी, अरुण जी, जयराम जी और राजीव विंदल जी से कि आप एक एक करके सबको सदस्यता का पत्रक दें। श्री सुधीर शर्मा जी, श्री राजेंद्र राणा जी, श्री राजेंद्र राणा, जी भेज दें पहले पर्ची को, पहले तो मेंबरशिप श्री रवि ठाकुर, श्री रवि ठाकुर, श्री इंद्रदत्त नागपाल लखनपाल, इंद्रदत्त लखनपाल, श्री देवेंद्र भुट्टो, भुट्टो से कुछ और नहीं था। श्री चैतन्य शर्मा, श्री चैतन्य शर्मा, Thank you.
थोड़ा थोड़ा क्लोज हो जाइए, थोड़ा थोड़ा क्लोज हो जाइए, क्लोज हो जाइए। अब ज्वाइनिंग इतनी बड़ी तो बड़ा तो होगा ही। ऐसा करें आप लोग थोड़ा, धन्यवाद। आइए, अब हो गया, हो गया, अब आराम से बैठिए। मित्रों, अब मेरा विनम्र निवेदन है, यशस्वी केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी से, कि आप संबोधित करें और हिमाचल के उन साथियों का अभिवादन भी करें। माननीय अनुराग ठाकुर जी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और हम सबका यह गौरव है कि हमको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कार्य किया, एक और तो देश में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, पहले भी दिया, आगे भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत में इनका भी योगदान हो। हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार होगा, उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी ने अपना दूसरा घर माना है, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। जो वर्षों से अटल टनल का काम बंद था, वो भी मोदी जी ने पूरा करवाया। यहां तक कि छोटे से राज्यों को एम्स, पीजीआई, कई मेडिकल कॉलेज दिलाए, IIM दिलाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, और कम से कम 50,000 करोड़ की तो केवल सड़कें ही दी हैं। रेल का नाम हिमाचल प्रदेश में था ही नहीं, ये ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन का भी काम पूरा कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की चौथी चली तो हिमाचल प्रदेश से चली। बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से चला है, चारों ओर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं। तो जब इतना विकास और गरीब कल्याण के काम लोग देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास और बढ़ता है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस जिस विश्वास को लेके ये सब आए हैं, मैं अपने सभी इन भाइयों को कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी वो है जो पूरा होने की गारंटी है। और हम लोग देश को आगे बढ़ाने में हिमाचल से भी एक बड़ा योगदान देंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। पार्टी के अपने माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी से आग्रह होगा कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आप माननीय 6 विधायक, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हिस्सा बन गए। और भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति आता है उसका सदैव मान सम्मान पार्टी उनका रखती है। आप सबका भी मान सम्मान पार्टी सदैव रखेगी, यह मैं महामंत्री के नाते आप सबको कह रहा हूं। कांग्रेस के दिवालापन नीतियां एवं नकारात्मक राजनीति से परेशान होकर के आप सब कांग्रेस से पार्टी से त्याग पत्र दिए और आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी नीतियां और विकास युक्त जो योजना है उसके माध्यम से आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और FDI हमारा हाईएस्ट है। उसके साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व भी आज $642 बिलियन है, जो 2014 में 322 बिलियन होता था। तीसरी बार सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था कोई चल रही है तो भारत की है। आप सम्मानित प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, योजनाओं से प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके ज्वाइन किए हैं। आप सभी का पुनः मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और अवश्य रूप से आप सबके ज्वाइन करने से हिमाचल प्रदेश में पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का अब धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में सफाया होता चला जा रहा है। बहुत बहुत पुनः आप सबका अभिनंदन। मेरा आग्रह होगा हिमाचल प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि आपको संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं सभी कांग्रेस पार्टी से 6 विधायक जो पूर्व में रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, हमारे परिवार का हिस्सा बने, मोदी जी के परिवार का हिस्सा बने, उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए ये राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना है। ये जो जिनका परिचय आपके सामने हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर रहे और कई बार के विधायक रहे, ऐसे अधिकांश लोग यहां पर भी हैं। और नई ऊर्जा देने वाले जो नौजवान भी हमारे साथ में है वो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। स्वाभाविक रूप से जो घटनाक्रम घटित हुआ है ये बहुत बड़ा संदेश पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए है। जो कार्यशैली, काम करने का तरीका, 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में ना जनता खुश है, ना कोई व्यक्ति खुश है, ना कांग्रेस का कैडर खुश है, ना कांग्रेस के नेता खुश है। और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था उससे बार बार जो है वो वंचित किया गया। इस दृष्टि से इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और उस कदम के चलते इनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हुई। लेकिन उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने तय किया है कि आज की आवश्यकता, देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी को आज की इस परिस्थिति में हमको मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर के आपने ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के परिवार में
शामिल होने का निर्णय किया, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि परिवार के सदस्य बनने के साथ साथ आपको पूरा सम्मान, पूरा स्थान, पहचान जो अपने परिवार में दी जा सकती है वो निश्चित रूप से देंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा निवेदन होगा आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री और चार बार के विधायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री सुधीर शर्मा जी से कि आप दो शब्द रखें। माननीय सुधीर शर्मा जी, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा यहाँ आज उपस्थित केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुराग ठाकुर जी का, यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी का, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, हम सभी छः के छः विधायक स्वेच्छा से आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहे पिछले दिनों, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा ये कशमकश जैसी चली पूरे प्रदेश में कि किस कारणवश इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्णय किया। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हम लोग जो चुनकर आए थे वो प्रदेश के विकास के लिए, जनहित के लिए इस पद पर पहुंचे और एक बार नहीं कई कई बार लोग चुन करके आए हैं। जब प्रदेश के अंदर विकास का काम करने का वातावरण ना रहे और लगातार आत्म सम्मान को व्यक्ति के ठेस पहुंचती रहे तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। सिर्फ एक काम कांग्रेस पार्टी आज की परिस्थिति में करती है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना, जिस कारण आज ये परिस्थितियां बनी हैं। आज हम छह लोग सम्मिलित हुए हैं स्वेच्छा से। हमने राज्यसभा में जो मतदान हुआ उसमें हमारे प्रदेश से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हर्ष महाजन जी, उनके पक्ष में मतदान किया। आप सभी जानते हैं दिखा करके मत डाला जाता है, कोई चोरी छुपे यह मतदान नहीं होता। वो मतदान किया इनके विरुद्ध जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, आप सभी जानते हैं कि वो जब उच्चतम न्यायालय में राम मंदिर का जब केस चल रहा था तो उसमें दूसरे पक्ष के वकील रहे, उनको वहां भेजा और इसीलिए लोगों ने निर्णय लिया कि प्रदेश के व्यक्ति के हित में हम लोग मतदान करें। आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा भी योगदान प्रदेश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखते हुए हम अपने अपनी हैसियत के अनुसार जो योगदान दे सकते हैं वो करें। और आज हम यहाँ आए हैं, इससे पहले कभी कोई दल बदल नहीं किया और जब तक जिंदा हैं भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले श्री राजेंद्र राणा जी से आपको संबोधित करें। मंच पर आसीन केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी,
राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश के हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, राज्यसभा के सांसद श्री हर्ष महाजन जी और मेरे तमाम साथी, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और तमाम नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि